टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा के नेता सो रहे हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लॉकडाउन के दौरान दुकानें फैक्ट्रियां सब बंद थी, लेकिन उसके बाद भी टोरेंट का लंबी लंबी बिल आने से नहीं रुका। जैसे टोरेंट पावर आने से पहले धड़क मोर्चा, कड़क मोर्चा, महा आंदोलन, भूख हड़ताल हुए, मगर टोरेंट पावर ने अपनी पावर दिखा ही दिया और लंबी लंबी बिलों को भी टोरेंट पावर ने घर तक पहुंचा दिया। और ऐसे टाइम में टोरेंट पावर ने कल वो मुमरा में बागडोर संभाला, जिसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र क्या पूरे देश में लॉकडाउन हुआ और लोग अपनी अपनी दुकानें, छोटी मोटी फैक्ट्रियां बंद कर एक कमरे में कैद हो गए थे। इस दौरान टोरेंट पावर ने बिना रेडिंग के बिलों को कैसे भेजा है, ये सवाल तो है ही। मुझे अब तक कई ग्राहकों ने बताया, हम 4 से 5 महीना घर पर बैठे हैं, कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं और इस बीच किसी ने भी रेडिंग लेने नहीं आया और बिल जहां हर महीने 1000 के करीब आता था, पिछले 4-5 महीने का बिल 10 से 12 हज़ार कैसे आ रहा है। बहरहाल इसीलिए हमने पहले कहा है कि मुमरा शहर के नेता सो रहे हैं। अब कलवा की बात करते हैं। टोरेंट पावर मुमरा और कलवा में दोनों जगह हैं। आज दोपहर 1 बजे के करीब शिवसेना नेता राजन साबते व उनकी टीम ने इसी मुद्दे को लेकर टोरेंट पावर के अधिकारी से मुलाकात की, जो पब्लिक यानी आम जनता की समस्या पर बात की, लिखित में भी पत्र दिया, जिसके बाद टोरेंट पावर ने क्या आश्वासन दिया है, आप सुनिए राजन साबते ने क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। साबते साहब, बिल को लेकर जो है काफ़ी लोग जो है परेशान हैं और लंबी लंबी बिलें आ रही हैं, उसको लेकर आज आपने जो मेमोरेंडम दिया है, मीटिंग किया है, क्या जानकारी मतलब हासिल हुई वहाँ से और क्या जानकारी देंगे आप? यहाँ के जो टोरेंट के जो ऑफिसर है उनसे अभी हम लोग हमारा निवेदन दिया, शिवसेना के माध्यम से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि आप जो हमारे जो कलवा के जो रहवासी है, इनके जो लॉकडाउन के पीरियड का जो बिल है ये बहुत अन्यायकारक है, ये बिल कम होना चाहिए, क्योंकि दुकान ही बंद है तो उसका बिल क्यों, ये हमारी पहली मांग थी। इसी तरह से जिन लोगों को जो एवरेज बिल दिया है तो उन्होंने ऐसा कहा, ये जो बिल बनाने का जो काम है ये उनका विद्युत वितरण का जो कंपनी है MSRDC, उनके माध्यम से जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी तरह से हम लोग देते हैं। तो हमारी यहाँ सरकार है तो हम लोग उनसे भी बात की है, हमारे ऊर्जा मंत्री है, हमारे डिप्टी CM है, उन्होंने भी मीटिंग ली थी। वैसे इसी तरह हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, उनको भी हमारा यही कहना है कि हमारे जो कलवा के जो निवासी है, जो हम लोग ईमानदारी से पैसा भरते हैं, भुगतान करते हैं, और ये जो पूरी कलवा, बिटावा, कारेगांव, पारसी की पूरी बस्ती में ये जो ईमानदार ग्राहक है, इनकी वजह से MSRDC चल रही थी, और जो हमारे पूरा लॉकडाउन की वजह से वो लोग घर में बैठे हैं और उनको जो बिल दिया, उनका जो स्लैब है ये बहुत भारी है और उसकी वजह से बिल भी ज़्यादा है, तो हमें किसी भी हालत में ये जो बिल है ये हमको कम करने के चाहिए। और अभी उन्होंने कहा कि अब हमें लिस्ट दो, लॉकडाउन है, हम लोग जा नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते, उनको हम लोग सब बता दिया कि जैसा लॉकडाउन खोलेगा उसके पहले हम लोग अभी आज से ही आपको यादें मिलेगी, आप उधर जाओ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उनका आप रेक्टिफाई करो, चेक करो और उनका बिल एक कम होना चाहिए। त्याला जानेवारीमध्ये 10,000 बिल आलं, फेब्रुवारी 10,000, परंतु मार्चच्या नंतर 3 महिने बंद असल्यामुळे ते त्यांच्या 200 आतमध्ये यायला पाहिजे नियमानुसार, तर ते बिल आलेलं आहे 10,000 दात्रिक 30,000 बिल आहे, ते लोक भरू शकत नाही कारण लॉकडाऊनमध्ये दुकानं पूर्णतः बंद आहे, तर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही साहेबांची मीटिंग घेतलेली आहे, आढावा बैठक घेतली, त्या लोकांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही जे व्हेरीफाय करू, स्पॉट रिलीज करू, आम्ही घरोघरी जाऊन दुकानामध्ये जाऊन, आणि जी दुकानं बंद होतील म्हणजे जी 10% दुधाची दुकानं किंवा मेडिकल दुकानं असतात त्यांना वगळून जी 90% दुकानं आहेत तर त्यांना ॲव्हरेज बिल असेल तर त्याचं मिनिमम बिलमध्ये कन्वर्ट करून ते आपल्याला परत बिल पाठवणार आहेत आणि ती बिल आपण भरणार आहोत। टोरेंट पावर ने कहा है, लॉकडाउन के दौरान जो जो दुकानें बंद थी हम उसका सर्वे करेंगे, साथ ही आप भी डेटा दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द जिन दुकानों के बिल आए हैं ज़्यादा उस पर सुधार हम कर सकेंगे। मैं फिर कहता हूँ, कलवा के नेता जागे हैं, उन्होंने कलवा के लिए, कलवा की समस्याओं को लेकर टोरेंट अधिकारी से मुलाकात की, तो क्या मुमरा के नेता टोरेंट पावर्स के अधिकारी से बात नहीं कर सकते? कब नींद से जागे हैं? क्या सिर्फ कलवा में ही दुकानें बंद थी, मुमरा में दुकानें बंद नहीं थी लॉकडाउन के दौरान? अगर थी तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा?
बिजली के बिलों को लेकर आज आम जनता परेशान है, काम काज बंद है, कैसे कैसे करके लोग एक एक दिन गिनकर निकाल रहे हैं, ये तो सदमा है ही। और दूसरा सदमा बिजली का बिल है, जो गरीब जनता काफ़ी परेशान है। और तीसरा सदमा उन किराएदारों का, जो किराए पर दुकान मकान चला रहे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।